Very good afternoon, guys. Hello and how are you? You all are welcome to my class and an academy. आप मेरे से कैसे जुड़ सकते हैं guys? So let's start, let's begin, let's crack UPSC CSE with an academy. यहाँ पर आपको top educators मिलेंगे, आपको quality content मिलेगा और आपको एक बहुत ही great learning experience होगा. राइट सिकंदर अली, वेरी गुड आफ्टरनून. चलिए फटाफट से जुड़ जाइए आप मेरे से. अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू सभी टॉप एजुकेटर्स के जो है लाइव कोर्सेज से जुड़ सकते हैं. एंड हेयर व्हाट यू विल गेट आफ्टर सब्सक्रिप्शन, आपका डेली लाइव क्लास होगा एंड आप अपने एजुकेटर्स से जो है डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन आपका स्ट्रक्चर कोर्स होगा, यानी कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपका ऑप्शनल पेपर, आपका एसे, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हेयर. उसके बाद आपके लाइव टेस्ट होंगे जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को जो है यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं. राइट गाइस, ओके, आई एम प्रॉपर ऑडिबल टू यू? एक बार जो है मुझे कंफर्म कर दीजिए, आई एम प्रॉपर ऑडिबल टू यू? ठीक है, इसके बाद आप जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरा अनअकैडमी लर्निंग प्रोफाइल है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 times यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू, ठीक है, और यहाँ पर 100+ टॉप एजुकेटर्स आपके लिए हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स भी आपको पढ़ाएंगे. यहाँ पर देखिए आपके लिए जो है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ठीक है, कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, भोलानाथ सेठी, ओके. एनसीईआरटी की समरी से लेकर आपको साइंस टेक्नोलॉजी, आपको ज्योग्राफी, आपको ऑप्शनल कोर्सेज और जो है आपकी प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, आपके आंसर राइटिंग कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. 20 अक्टूबर से जो है आपकी फी बढ़ जाएगी, तो आप कोशिश करिएगा, 2 दिन है आपके पास, आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, इससे जो है आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है, छोटा सा ही अमाउंट है, आपके फ्यूचर से बड़ा नहीं है, ठीक है. 2 special plan है आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, 1+ और 1 iconic. प्लस देखिए ये 8 पैरामीटर्स बनाए गए हैं, 4 पैरामीटर्स प्लस में हैं, ठीक है, और ये 8ों किस में है, आइकॉनिक में. 1 साल 2 साल के लिए जाइए, चूंकि यूपीएससी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 1 साल के लिए 44,000, आप मेरा रेफरल कोड किरण1 अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. सेम यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको 2 साल वाला प्लान से भी आपको ऑफ मिल जाएगा 10%, राइट. ये देखिए ये आपका आइकॉनिक प्लान है, यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या है, आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जहां पर आपका डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, आपका स्टडी प्लान किया जाएगा और आपको पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा. 1 year 64,000, अप्लाई किरण1 कोड, यू विल गेट 10% ऑफ. द सेम वे 2 साल के लिए जा रहे हैं, 99,000 फी है, किरण1 कोड अप्लाई करिए, यू विल गेट अगेन 10% ऑफ, ओके. सो गाइज, आज हम पॉलिटिकल साइंस में एक बेहतरीन टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस या थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है. थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया हर साल क्वेश्चन आता है ऑप्शनल में यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग जो है रॉल्स की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. देखिए रॉल्स कौन थे, इनका पूरा नाम है जॉन रॉल्स, क्या है, जॉन रॉल्स है. ये जो है एक अमेरिकन थिंकर है, ठीक है, ये एक अमेरिकन थिंकर हैं जिन्होंने जस्टिस के बारे में जो है अपने कुछ विचार दिए, ठीक है, जस्टिस यानी कि न्याय के बारे में, न्याय क्या होता है, ठीक है. आज आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो देखने को मिलता है वो कहां से आया, कहां से शुरू हुआ, ठीक है, तो जस्टिस को एक पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट है
यानी कि न्याय भी होना चाहिए, सोसाइटी में न्याय भी होना चाहिए, और उस न्याय को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, न्याय क्या होता है, क्या काम किया ऐसा जॉन रॉल्स ने कि इनके नाम से जस्टिस को जाना जाता है। ओके, तो बेसिकली हम ये चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। राइट गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है, संकल्पना, न्याय की संकल्पना क्या होता है, किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस इज द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। ठीक है, जैसे जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, ये सब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे मेन कंसर्न रहे हैं। ठीक है, अब जस्टिस थ्योरीज ऑफ जस्टिस आर डीलिंग विद पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, अब जस्टिस का सीधा सीधा संबंध जो है पब्लिक पॉलिसी से है। आपने जस्टिस का मतलब, जस्टिस से मतलब आपने समझा होगा जुडिशरी और जो है कोर्ट्स, ये किस तरीके से बने, क्यों जो है जस्टिस को सोसाइटी में एक वैल्यू की तरह स्टेब्लिश किया गया। अगर जस्टिस नहीं होता तो क्या जो है आज की जो गवर्नमेंट है या जो भी व्यवस्था आज है, क्या वो कंप्लीट मानी जाती, नहीं मानी जाती। जस्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, तो जस्टिस में और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, और जस्टिस होता क्या है, किसे कहते हैं, ना ये नहीं कि आप केस जीत गए तो आपको जस्टिस मिल गया। राइट, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट जस्टिस का पेश किया गया है, जिसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। राइट, तो जस्टिस इज अ कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। आप जो है इसको, जो मैंने आज लिखा है, इसको इसी तरीके से जो है आप कोट कर सकते हैं। राइट, अब देखिए ये पब्लिक पॉलिसी का जो है पार्ट है। जस्टिस किससे डील करता है, पब्लिक पॉलिसी से। पब्लिक पॉलिसीज कौन बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाती है, तो पब्लिक पॉलिसी में जस्टिस होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पब्लिक पॉलिसी का, द मेन कंसर्न ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ गुड्स, ऑनर्स, पोजीशंस एंड अवार्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी जो बनती है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल क्या हो, किस तरीके से चीजों को बांटा जाए। जैसे पीडीएस सिस्टम है ना, रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ गुड्स है ना, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लो गवर्नमेंट कोई भी चीज, मान लो अब जैसे कोरोना क्राइसिस में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो जो फ्री फूड ग्रेन्स हैं, क्या वो अंबानी को भी दिया जाए, क्या फ्री फूड ग्रेन्स अंबानी को भी दिया जाए, टाटा बिरला को भी दिया जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी दिया जाए, क्या अपने सभी, तो क्या इक्वालिटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या मतलब है, टारगेटेड को, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो प्रॉब्लम है। अगर ये बोल दिया जाए कि भाई पब्लिक पॉलिसी अगर ऐसी बना दी जाए कि ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीवन इज इक्वल, ईच एंड एवरीवन विल गेट इक्वल थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सोसाइटी साइड, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भी सबको बराबर देना है ना, तो क्या ये सही पॉलिसी है, नहीं। अब यही प्रिंसिपल को डिसाइड करना जस्टिस है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि टारगेटेड ग्रुप्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनमें से भी और ज्यादा लीस्ट और जो है एडवांटेज सोसाइटी का जो है सेक्शन है, फिर उसमें जाकर देखना है कि हम किस तरीके से जो है एलोकेशन या प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल गुड्स हैं, जैसे ऑनर्स हैं, है ना, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण है ना, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, ये क्या होते हैं, ये ऑनर्स होते हैं, किसको मिलते हैं, इसका प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं ना, कुछ क्राइटेरिया बनाए जाते हैं। जैसे मान लो भारत रत्न है, एक बहुत बड़ा ऑनर है, क्या वो हर सिटीजन को दिया जाता, नहीं, जो मानव सेवा, जो पब्लिक सर्विस के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं, जिससे मानवता का भला होता है, पीजे अब्दुल कलाम जैसे आ, आ, जो है लोग हैं जिन्होंने मानवता को सम्मानित किया है। राइट, तो उन लोगों को जो है
वो चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है, वो चीजें वहां मिलनी चाहिए, तो कुछ क्राइटेरिया है। एमाना, वेरी गुड बेटा, वेलकम। ठीक है जय। और तो यहाँ पर पोजीशन किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अवार्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन आईएएस बनेगा, तो ये भी एक तरीके से ऑनर्स का ही पार्ट है ना। अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ गुड्स, अब गुड्स मान लो आईएएस एक गुड है, ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रिंसिपल नहीं बनाया गया? इसके लिए प्रिंसिपल बनाया गया है, एक यूपीएससी है, ठीक है, उसकी 3 स्टेज आपको क्रॉस करनी है, प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जो ये क्लियर करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको ही वो ऑनर मिलेगा, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी है भाई, एनी वन हैव द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हर किसी को समानता का अवसर है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ गाइडलाइन जो है, कुछ क्राइटेरियाज वी हैव टू फुलफिल इन ऑर्डर टू गेट द जस्टिस। अब मान लो हर कोई आईएएस बन जाए, तो जो पढ़ता है और जो नहीं पढ़ता है उसके बीच क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। मान लो कोई स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, और टीचर जो है, जिसने मेहनत करी, पेपर में कुछ लिखा नहीं लिखा, या जिसने बहुत मेहनत से पेपर दिया, सबको बराबर नंबर दे दे, तो क्या आपको मोटिवेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज द थिंग्स, राइट। तो पब्लिक पॉलिसी यानी कि जस्टिस क्या है, वो प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए जिसमें सबको समान अधिकार मिले, राइट। तो यहाँ पर जस्टिस का क्या सिस्टम होगा, आप देखिए, एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज टू बी बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। क्या डेमोक्रेसी को बिना जस्टिस के इमेजिन किया जा सकता है? क्या इक्वालिटी बिना जस्टिस के हो सकती है? क्या जस्टिस बिना जस्टिस के हो सकता है? क्या लिबर्टी फ्रीडम को बिना जस्टिस के एक्सेप्ट किया जा सकता है? तो जस्टिस क्या है, एक कोर जो है टॉपिक है पॉलिटिक्स में, ठीक है, कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है जस्टिस दे सकती है। आर यू गेटिंग माई व्यू? ठीक है। अ पोलिटिकल फिलोसफी बिगैन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। जो पोलिटिकल फिलोसफी है यानी कि पॉलिटिक्स की शुरुआत ही जस्टिस के विचार से होती है, आइडिया ऑफ जस्टिस से होता है। प्लेटो हैज डेल्ट विद द इशू इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बेटा, इसको आप मैनर लिखें। इन हिज डायलॉग, उन्होंने एक बुक लिखी है द रिपब्लिक, ठीक है, जिसमें लिखा द रिपब्लिक आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इनका जो सब टाइटल है, रिपब्लिक द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस को कोर थ्योरी माना। अभी हम जस्टिस पढ़ रहे हैं ना, तो जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, उन्होंने जस्टिस के बारे में क्या क्या कहा है, तो हम जो है ये चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस को जो है यहाँ पर हम जुडिशरी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में यानी कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस को किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट, आज जो चैप्टर है हमारा, आज इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस जस्टिस की शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है, तो जस्टिस की शुरुआत हुई थी रिपब्लिक से, यानी कि प्लेटो से शुरुआत हुई थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक। देखिए, पॉलिटिकल फिलोसफी को ही जस्टिस के आइडिया से शुरू माना गया है ना, क्योंकि विभाजा, हेलो, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे प्लेटो ने शुरू किया, लेटर ऑन अदर पॉलिटिकल स्कॉलर्स गेव देयर व्यूज ऑन जस्टिस, इसके बाद बाकी लोगों ने भी अपने जस्टिस पर व्यू दिए, है ना। प्लेटो ने दिया, तो प्लेटो के बाद तो जस्टिस ही आए थे, जो है एरिस्टोटल आए थे, ठीक है, एरिस्टोटल आए थे ना, अरस्तु उनके शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु को क्या माना जाता है, एरिस्टोटल इज फादर ऑफ, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। दीपा जा, यू आर न्यू हेयर, ओके, यू आर वेलकम बेटा, ट्राई
टू माय क्लास। आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जस्टिस की प्लेटो से शुरुआत हो जाती है। अभी आप सब कुछ भूल जाइए और आप याद रखेंगे कि एक जस्टिस के आइडिया का जो है शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है प्लेटो से, जिन्होंने अपनी बुक का सब टाइटल रखा था द आइडिया, द रिपब्लिक, द आइडिया ऑफ जस्टिस। इसके बाद आगे जितने भी पॉलिटिकल स्कॉलर्स आए, दे गेव देयर व्यूज ऑन जस्टिस। सबने अपने अपने तरीके से, अभी इनको एक बेस मिल गया, एक ग्राउंड मिल गया, ठीक है। अब ये अपने अपने तरीके से जो है अपने व्यूज प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बोला है, ही गेव द थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब होता है समानुपात न्याय, यानी कि जिसको जैसी जरूरत उसके हिसाब से उसे न्याय मिलना चाहिए, एक प्रोपोर्शनेट थ्योरी है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि पर्टिकुलरली यूपीएससी जो है रॉल्स की थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। वही सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि रॉल्स की जो थ्योरी है वो, और उसके बाद रॉल्स की थ्योरी को जो कम्युनिटेरियंस यानी के समूहवादी जो थे, उन्होंने जो है, समुदायवादियों ने जो है इनकी बहुत आलोचना करी है। तो वो क्रिटिसिज्म क्या था, तो इस पर क्वेश्चन आता है, राइट। हम लोग बेसिक पर्पस इसी पर रखेंगे, बेसिक फोकस हमारा इसी पर रहेगा, ठीक है। देखिए, तो एरिस्टोटल ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस, प्रोपोर्शनेट जस्टिस का जो है थ्योरी दिया। उसके बाद लिबरल्स आ जाते हैं। मैंने आपको इससे पहले जो है पढ़ाया हुआ है, लिबरल्स, नियो लिबरल्स, मार्क्सिस्ट, ये सारी चीजें मैंने कराई हुई हैं। तो क्लासिकल लिबरल्स क्या होते हैं, क्लासिकल लिबरल्स जिनको निगेटिव लिबरल भी कहते हैं। निगेटिव लिबरल का मतलब क्या है कि इनका एक बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड रहा है। क्या ये स्टेट के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम जो कि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके बारे में क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि भाई जो ये स्टेट बना है ना, अब लिबरल्स का मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका कोर पॉइंट है, अब लिबरल्स आए लिबर्टी से, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने विचारों में ऐसे आइडियाज दिए, जैसे जॉन लॉक ने इस आइडिया को दिया है जिसमें व्यक्ति को रैशनल माना गया, ठीक है। अमनदीप, यस, दिस इज एप्लीकेबल इन एथिक्स सिलेबस आल्सो, बट राइट नाउ आई एम टीचिंग पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस फर्स्ट पेपर सेक्शन ए, ठीक है। और यहां पर मैं आपको रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा रही हूं, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं जर्नल स्टडीज के लिए, फोर्थ पेपर, दैट इज अनदर थिंग बेटा, राइट। तो यहां पर मैं क्या समझा रही थी, स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो लिबरल्स क्या मानते हैं, इनका कोर पॉइंट क्या है, इनका विचार क्या है, इनका विचार है लिबर्टी, लेकिन ये स्टेट को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्या देखते हैं कि भाई ये स्टेट जो है एक प्रॉब्लम है व्यक्ति की स्वतंत्रता में, लिबर्टी में, ठीक है, एक बहुत बड़ी हिंडरेंस है लिबर्टी में, ठीक है। तो स्टेट एक आवश्यक बुराई है। तो यहाँ पर जो है इनके बराबर बराबर दो पॉइंट है। इन्होंने क्या बोला है, लिबरल्स ने, क्लासिकल लिबरल्स ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, एक आवश्यक बुराई है, ठीक है। अब देखिए कैसे है आवश्यक बुराई, आवश्यक कैसे है। अब लिबरल्स जहां पर आ जाता है, इसका मतलब वहां पर लिबर्टी आ जाती है। ये लोग लिबर्टी को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं कि मैन रैशनल है, मैन इज रैशनल, है ना, और मैन अपना सब कुछ अच्छा बुरा सोच सकता है, ठीक है, और लिबर्टी ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और व्यक्ति को लिबर्टी कब मिलेगी, जब उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उसके पास। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये बहुत तवज्जो देते हैं, या आप यू कह दीजिए कि कैपिटलिज्म जो है
कैपिटलिज्म की जो है थॉट है ये, राइट। तो अब इन्होंने क्या बोला है, एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक का मतलब क्या है भाई, स्टेट के बिना लिबर्टी की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए यानी कि टू सेफ गार्ड द लिबर्टी राइट्स ऑफ मैन, दैट्स व्हाई स्टेट इज नेसेसरी। बट बुराई कैसे है कि भाई ये लिबर्टी पर जो है, व्यक्ति की लिबर्टी पर जो है एक स्टॉप है, एक फुल स्टॉप है, एक क्वेश्चन टैग है ना, कि मतलब व्यक्ति जब इतना रैशनल है तो व्हाई गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द लिबर्टी ऑफ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज दिखाई गई। तो जो क्लासिकल लिबरल्स हैं उन्होंने जस्टिस के बारे में क्या बोला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या बोला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि कमजोर से कमजोर का। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी बोला जाता है, जहां जो इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी है, एक उद्विकास का जो सिद्धांत है, वहां पर भी जो है इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, यानी कि जो कमजोर से कमजोर है उसका भी जो है सर्वाइवल होना चाहिए। इन्होंने प्रिंसिपल मतलब एज द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी चीज पर फोकस है कि व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, भी जो जस्टिस होता है, न्याय होता है, उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए, कैसे उसको बांटना चाहिए, कैसे उसको एलोकेट करना चाहिए, किस तरीके का वो, क्या क्राइटेरिया हो, कैसे करें उसको, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक पर्पस, राइट। तो एरिस्टोटल, प्लेटो ने शुरुआत करी इसकी। अब रिदम से पढ़िए आप, सिस्टम से पढ़िए। प्लेटो ने इसकी शुरुआत की, एरिस्टोटल ने इसको प्रोपोर्शनेट जस्टिस कहा। उसके बाद जो एक पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप हुई थी उसे क्लासिकल कहते हैं। फिर मार्क्सिज्म आया, उसके बाद जो है इन्हीं पर बेस्ड होकर सोशलिज्म आया। फिर सोशलिज्म आता है, ठीक है, फिर उसके बाद नियो लिबरल्स डेवलप होते 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 जो है इस तरीके से व्यू पॉइंट्स बनते हैं। फिर गांधीज्म आया, अलग एक विचारधारा आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिकल लिबरल्स ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर आते हैं यूटिलिटेरियंस, यानी के उपभोगवादी, उपभोक्तावादी जो होते हैं, यूटिलिटेरियन, उपयोगी, जो जो कंजम्पशन को जो है, उपभोग को जो है ज्यादा तवज्जो देती। इन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले, हैप्पीनेस, प्रसन्नता मिले, वही जस्टिस है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम को हैप्पीनेस मिले, ठीक है। लेकिन ये भी अधूरी है ना। अब आप देखिए इनमें से किसी भी, कोई भी क्राइटेरिया क्या हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, हर जगह। यानी कि जो थ्योरी है जस्टिस की, जो प्रिंसिपल है जस्टिस के, वो ऐसे होने चाहिए जो हर समाज पर एप्लीकेबल हो, ठीक है, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल हो। सो दिस इज द बेसिक मोटिव। अब देखिए यहाँ पर आप ये अलग अलग व्यू दिए जा रहे हैं ना। लिबरल्स ने क्या दिया, यूटिलिटेरियंस ने क्या 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 कहा, ठीक है। इन्होंने बोला कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एज ए प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। भाई अगर आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी देंगे तो इसका मतलब आप जस्टिस दे रहे हैं। तो जस्टिस का बेस प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, भाई आप ज्यादा से ज्यादा को हैप्पीनेस दें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम हैप्पीनेस को, यानी कि मिनिमम पे होना चाहिए। यहाँ पर यूटिलिटेरियंस लोग क्या व्यू देते हैं कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, मैन का नेचर क्या है, कि वो हमेशा सुख चाहता है, खुशी चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, एंड ही ऑलवेज अवॉइड्स पेन, ठीक है, बुरी सिचुएशन, इविल्स, इस तरीके की चीजों को अवॉइड करता है, तो उसका हैप्पीनेस उसी में खुश रहेगा, ठीक है। लेकिन मान लो अब गवर्नमेंट सबको 15-15 लाख रुपए दे दे, तो क्या आप कभी अपने अंदर के टैलेंट को कभी एक्चुअलाइज कर पाएंगे? क्या आपके टैलेंट का, आपके पोटेंशियल का ये देश, हमारा देश कभी उसको फील कर पाएगा? नहीं। तो हर किसी की अपनी बुराई है, हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है। तो दैट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जहां पर सबको बराबरी का अधिकार मिले, या सबको बोल दे कि एक घर में एक आईएएस बना दे, तो शायद आईएएस को वो की वो वैल्यू ही नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी वैल्यू उसकी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे इकोनॉमिक्स में एक नियम है, आपने पढ़ा होगा, डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आता है ना, या फिर जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है,
इन्फ्लेशन जब डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाता है तो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि डिमांड, या तो डिमांड ज्यादा हो गई उसकी सप्लाई कम है, या फिर सप्लाई ज्यादा हो गई उसकी डिमांड कम है। ये दोनों ही सिचुएशन बहुत खराब होती है, इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, सब लोग ये कहेंगे अरे ये चीज सस्ती हो गई है, अभी ये चीज ठीक नहीं बिक रही है, अभी ये चीज मार्केट में बस यही मिल रहा है, कुछ नया नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन इकोनॉमी के लिए जो है बहुत ही हार्मफुल होती है। तो सेम वही होता है, मान लो भी इन्होंने बोल दिया भी सबको सबको जो है हैप्पीनेस दे दीजिए, घर में एक आईएएस बना दीजिए आप, तो शायद आईएएस का वो वैल्यू ना रहे जो आज है, जिस नजरिए से हम आईएएस ऑफिसर्स को आज देखते हैं, या जो हमारा व्यू पॉइंट है एक आईएएस सिविल सर्विसेज के लिए, तो शायद वो ना रहे। ठीक है, तो उसको एक वैल्यू सिस्टम बनाए रखने के लिए, जिसको एक वैल्यू सिस्टम के तौर पर उसको बनाए रखने के लिए ही जो है कुछ प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रीतम वेरी गुड आफ्टरनून, यू आर लेट, व्हाई यू आर लेट। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ये भी, ठीक है, तो सोशलिस्ट ने क्या कहा है, सोशलिस्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। हर किसी ने अपने अपने प्रिंसिपल बताइए, आप देखना रॉल्स इन पे सब पे पानी फेर देंगे, रॉल्स का जो व्यू पॉइंट आएगा ना वो एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा। इस बंदे ने बहुत ही हटके काम किया, एक हटके थ्योरी दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लेटो ने, एरिस्टोटल, प्लेटो से शुरुआत होती है, एरिस्टोटल ने व्यू पॉइंट दिया, लिबरल्स ने दिया, ठीक है, सबने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए। तो यहाँ पर जो है जस्टिस क्या बन जाता है, एक मैटर ऑफ डिबेट बन जाता है, क्या बन जाता है, एक मैटर ऑफ डिबेट बन जाता है। अब ये डिबेट फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है, द डिबेट वॉज रीस्टार्टेड इन कंटेम्परेरी टाइम्स। कंटेम्परेरी टाइम्स जानते हैं क्या होता है, कंटेम्परेरी टाइम्स होता है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो जो भी कुछ हुआ उसको क्या कहेंगे, कंटेम्परेरी इवेंट कहेंगे, ये कंटेम्परेरी टाइम है। ठीक है, तो यहां से लेकर प्रेजेंट के बीच का टाइम, ठीक है, तो ये वाला जो टाइम है सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर प्रेजेंट के बीच में, तो ये सब कंटेम्परेरी टाइम्स होता है, राइट। अब यहां पर जो है ये डिबेट फिर से शुरू हो जाती है, पुनः जो है शुरुआत होती है इसकी, जब रॉल्स, जॉन रॉल्स नाम के एक पॉलिटिकल स्कॉलर आते हैं और ये एक बुक लिखते हैं, इनकी बुक का नाम होता है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब तक जो है किसी ने भी थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस के लिए एक पर्टिकुलर थ्योरी को जो है डेवलप नहीं किया था। सब क्या कह रहे थे, देखो सब क्या कह रहे थे, सब कोई प्रोपोर्शनेट जस्टिस कह रहा था, कोई जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कह रहा था, कोई ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस कह रहा था, कोई इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स कह रहा था, किसी ने भी थ्योरी को, जस्टिस को एक थ्योरी के रूप में स्टैब्लिश नहीं किया था। ठीक है, एक होता है ना जैसे कोई कैसे उसको मतलब एक ऑथेंटिक जगह, ठीक वैसे ही कैसे, जैसे हमारे देश में पंचायती सिस्टम, ठीक है, तो पंचायती सिस्टम कब से शुरू हो जाता, 1959 से, जब राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली पंचायत स्थापित की थी, लेकिन क्या पंचायती राज की वो वैल्यू थी जो 1993 के बाद है, तो 1993 में पंचायत की वैल्यू क्यों हो गई, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट पास किया गया और पंचायतों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, हमारा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जो है हमारा सिस्टम क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पंचायती सिस्टम को जो है एक वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, एक वैल्यू मिल गई, क्योंकि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया। ठीक इसी तरीके से आपने जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में सुना होगा, जीआई टैग सुना होगा ना उसके बारे में, जैसे बंगाली रसगुल्ला है, उड़ीसा के रसगुल्ले हैं, है
है ना, मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा, इस तरीके की कुछ चीजें, जीआई टैग जो है दिए जाते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं ना, जब किसी प्रोडक्ट को, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या कोई भी चीज हो, जब उसको गवर्नमेंट जीआई टैग दे देती है, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है कि उसको जो है कोई डैमेज नहीं कर सकता, उसकी एक अलग इमेज हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू हो जाती है कि लोग उसको खरीदते रहे, जीआई टैग प्रोडक्ट खरीद के लाया है ना, तो एक कीमत उस चीज को मिल जाती है। तो ठीक उसी तरीके से रॉल्स ने जब ये बुक लिखी तो इसको क्या मिल गया, एक थ्योरी का, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में एक सेंट्रल जगह, जस्टिस को एक सेंट्रल जगह दिलाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, वो रॉल्स को जाता है। अभी देखना रॉल्स आगे आगे क्या करेंगे। एग्जैक्टली सौरभ, कश्मीरी सैफ्रॉन को जीआई टैग मिला है, ठीक है, तो आप देखना किसी शॉप पे जाएंगे ना, तो ये कश्मीरी सैफरन है, ये हिमाचल एप्पल है, ये गोल्डन एप्पल है, ठीक है, ये अमेरिकन एप्पल है, तो इन सब चीजों को क्या होता है, जीआई टैग मिला हुआ होता है, ठीक है। तो सैफरन तो कई तरह का हो सकता है, लेकिन अगर आप कश्मीरी सैफरन खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ज्यादा वैल्यू है, राइट। तो सेम वही चीज थ्योरी को जो है, जस्टिस को एक थ्योरी के रूप में, एक पॉलिटिकल इस्टैब्लिशमेंट देने का जो क्रेडिट है वो जॉन रॉल्स को जाता है, ठीक है, इसीलिए यूपीएससी जॉन रॉल्स की थ्योरी पूछते हैं, ठीक है। अब हम जॉन रॉल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सिग्निफिकेंस ऑफ रॉल्स एज ए थिंकर, ठीक है, एक थिंकर के रूप में, यानी कि एक विचारक के रूप में, ठीक है, एक राजनीतिक विचारक के रूप में जो है इनका क्या स्थान है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने जस्टिस के बारे में इतना ऑथेंटिक बोला, उनको एक एक सिद्धांत के रूप में स्टैब्लिश करने का जो है इन्होंने जो कोशिश की, जो एफर्ट्स किया, जो इनका वर्क किया, उसी वर्क ने जॉन रॉल्स को जो है एक थिंकर के रूप में, एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में जो है स्टैब्लिश कर दिया, राइट। अब देखते हैं आगे क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। तो हिज वर्क ऑन जस्टिस इज ट्रीटेड एज वर्क सिग्निफाइंग द रिबर्थ और रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो जो इनका काम था जस्टिस को लेकर, उसने क्या कर दिया, पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव कर दिया, यानी कि उसका पुनर्जन्म हो गया, वो फिर से शुरू हो गई, ठीक है। अब रॉल्स का क्या एम था, वो प्लेटो की तरह ही, जैसे प्लेटो को क्या माना जाता है, प्लेटो ने पॉलिटिक्स लिखी थी, पॉइटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इनका जो है पॉलिटिक्स नाम की जो है एक राजनीतिक रचना है जिनसे शुरू होती है, तो जैसे प्लेटो एक रेफरेंस पॉइंट है पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए, उसी तरीके से रॉल्स भी जो है एक रेफरेंस पॉइंट हो गए। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जैसे बेस हो गया, उसके ऊपर आप अपनी थ्योरी डेवलप करिए, आप उसके आगे सोचिए, ठीक है, मतलब बेस हमने आपको दे दिया, राइट। तो जिस तरीके से प्लेटो एक रेफरेंस पॉइंट है पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए, जैसे स्टार्टिंग कहीं से, कहाँ से हुई जस्टिस की, प्लेटो से, शायद प्लेटो भी रॉल्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, तो रॉल्स ने स्टडी करा कि प्लेटो ने ये बोला, अरिस्टोटल ने ये बोला, लिबरल्स ने ये बोला, सोशलिस्ट ने ये बोला, यूटिलिटेरियन ने ये बोला, और भाई अब मैं क्या बोलूं, तो रेफरेंस पॉइंट क्या रहे, तो प्लेटो। तो जैसे प्लेटो एक रेफरेंस पॉइंट रहे हैं, उसी तरह के से रॉल्स भी एक रेफरेंस पॉइंट रहे हैं जो बाद के पॉलिटिकल थियोरिस्ट आए, जैसे नॉजिक और अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमी का जो है वेलफेयर इकोनॉमिक का जो है इनको जो है इकोनॉमी के लिए जो है नोबेल दिया गया था, सिर्फ इसी वजह से इन्होंने एक बुक लिखी है, द आइडिया ऑफ जस्टिस। क्या लिखा है, द आइडिया ऑफ जस्टिस। अब आइडिया ऑफ जस्टिस किस माध्यम से होना चाहिए, जब एक वेलफेयर इकोनॉमी होगी, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो नॉजिक भी एक पॉलिटिकल स्कॉलर का नाम है, इन्होंने आगे चलकर रॉल्स को फॉलो किया है। तो एक रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप नोट्स पढ़ते हैं, है ना, जैसे मान लो आप ये मेरा ही नोट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी तैयारी में जस्टिस वाला चैप्टर अगर आप तैयार कर रहे हैं, मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस नोट्स, राइट। और तो ये नोट्स आपके लिए क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, है ना, यानी कि इसी के आसपास जो है आप अपना फर्दर डेवलपमेंट इसी पर करेंगे, मतलब एकदम, एक तो होती है नई शुरुआत, एक होती है रेफरेंस पॉइंट से, राइट।
तो आगे बहुत जो है रोल्स के बाद जस्टिस में जो नाम आता है वो नौजिक का आता है और अमर्त्य सेन का आता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ना नौजिक पढ़ेंगे ना अमर्त्य सेन पढ़ेंगे, हम खाली क्या पढ़ेंगे, खाली हम रॉल्स पढ़ेंगे, क्योंकि रॉल्स ही पूछा जाता है और रॉल्स की आलोचना करिए समुदायवादियों ने। ये दो चीजें सिलेबस में मेंशन है, दो ही पूछेंगे। आप पेपर उठा के देख लो, जब से यूपीएससी बना है 2019 तक का जो मेंस हुआ है उसमें रॉल्स और कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हम इससे आगे जाएंगे भी। अब आगे देखिए, None of the contemporary thinker can overlook the contribution of Rawls. वही नहीं कर सकते इनके contribution को overlook, क्यों? क्योंकि reference point है, ठीक है, justice के लिए। तो he और she may agree or disagree with Rawls, but Rawls will be the reference point. हम किसी की बात से agree हो सकते हैं, disagree हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन anti नहीं हो सकते, है ना? Anti का मतलब क्या है? जैसे मान लो अभी रॉल्स ने जो थ्योरी दी है हम उस पर एग्री करें या ना करें, लेकिन क्रिटिसिज्म कर सकते हैं भी, आलोचना कर सकते हैं। जानते हैं आलोचना का मतलब क्या होता? एक होता है आलोचना और एक होता है निंदा करना, निंदा, चुगली। चुगली तो समझ में आएगा, है कि नहीं है? चुगली समझ में आ जाएगा। क्रिटिसिज्म का मतलब आपने देखा होगा यूपीएससी हमेशा पूछता, क्रिटिकली इवैल्यूएट, है ना, क्रिटिसिज्म, व्हाट आर द क्रिटिकली इवैल्यूएट, एनालाइज। क्रिटिसिज्म वर्ड बहुत लिखा जाता है, जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आपके अंदर रॉल्स की थ्योरी जो दी है उसकी डिमेरिट्स पहचानने की काबिलियत हो, ठीक है। आप डिमेरिट्स जो है इसकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लस में यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन टू दैट डिमेरिट्स, राइट? दिस इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म, ओके। एक होता है निंदा, नहीं यार तुम्हारी तो जो है, एक होती है निंदा करना, निंदा जिस जो हमेशा निगेटिव होती। तो क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, जिसका पता ही नहीं है यूपीएससी यही पूछता है आपसे, ठीक है। यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा? आप जैसे कम्युनिटेरियन ने रॉल्स की थ्योरी की आलोचना करी है, तो कम्युनिटेरियन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि डिमेरिट्स पहचानी, भाई ये आपने बताया और ये आपने बता के आपकी ये कमियां हैं, उन कमियों का सॉल्यूशन जो है इन्होंने बताया है। तो सॉल्यूशन के साथ जब आप कमियां बताते हैं, आप सजेशंस देते हैं, उसी को कहते हैं क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, है ना। तो क्रिटिसाइज का यही मीनिंग होता है, राइट? तो डिमेरिट्स के साथ आप सोल्यूशन भी बता रहे हैं, इसीलिए कहते हैं आपके पास एक एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। बहुत से जगह पर यही बताया जाता है कि कमियां बतानी है, क्रिटिसिज्म, है ना। यो आपसे टेस्ट सीरीज में कराई जाती है तो लिखते हैं भी क्रिटिसिज्म, जहां पर क्रिटिसिज्म वर्ड आ गया वहां पे बुराइयां लिखनी है। इसका मतलब वो क्या करते हैं, वो क्रिटिसिज्म जैसे ही क्रिटिकल इवेलुएट आया तो बच्चों ने लिख दिया नंबर 1 ये बुराई, नंबर 2 ये बुराई, और आप पूरा पेपर भर के आते हैं और बच्चे सोचते हैं मैं खूब लिख के आया हूँ, और जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है तो क्या पता चलता है कि मेंस क्लियर नहीं हुआ। अब मेंस क्लियर क्यों नहीं, भाई लिख के तो बहुत आए थे, क्या लिखा तो बहुत था, नंबर क्यों नहीं दिए? अब एग्जामिनर को मेरी तरह ये गाली वो गाली, पता नहीं, ठीक है, आपका दिमाग सड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर जो है मैं यही बताना चाह रही हूँ कि यूपीएससी का जो फंडा है वो है क्रिटिसिज्म, यानी कि डिमेरिट्स के साथ यू हैव टू मेंशन सॉल्यूशंस। भाई प्रॉब्लम तो बता के आ गए, ये भी बुराई है ये भी बुराई है, सॉल्यूशंस बताते कुछ पॉजिटिव तभी तो नंबर आते, क्योंकि यूपीएससी क्या सोचेगा कि ये बंदे में बस बुराई देखने की काबिलियत है, ये सॉल्यूशन तो इसके पास होगा ही नहीं, तो इसको क्या आईएएस बनाए। अब ओके समझे? तो वहां पर आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं? तो नॉलेज चेक आपकी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं कि आप किस तरीके के बंदे हैं, राइट गाइस? चलिए पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ रॉल्स, ठीक है। जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करता है वो मुझे समझ सकता है, मुझे आप लिख भी सकते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा हो, तो मुझे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपका व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। आप यहीं पर प्लेलिस्ट में आपको जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे,
तो सारे वीडियोस एक बार आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट गाइस। अब देखिए रॉल्स का जो है पर्सपेक्टिव यानी कि नजरिया क्या है, ही बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म यानी कि पॉजिटिव लिबरलिज्म, और जहां पर पॉजिटिव लिबरलिज्म आ जाता है वहां पर क्या आ जाता है, वेलफेयर स्टेट आ जाता है, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, एक इससे पहले मैंने आपको बताया था क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म के दो पार्ट हैं, एक है क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे निगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं ना। अब उसको निगेटिव क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये स्टेट को निगेटिव फॉर्म में देखता है, जो कि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है जिससे पावर चलती है, जिससे सोसाइटी को रेगुलेट किया जाएगा, ये उसको एक निगेटिव रोल में देखता है। ठीक है, और ये भी मानता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो व्यक्ति की लिबर्टी में एक फुल स्टॉप होता है, मतलब एक क्वेश्चन टैग होता है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक बुराई है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पॉजिटिव लिबरलिज्म आया तो इसने कहा कि भाई क्लासिकल लिबरलिज्म वालों ऐसा बिल्कुल नहीं, अपनी सोच सुधारो, स्टेट नेगेटिव नहीं है, आपकी स्वतंत्रता का सेफ गार्ड करता है और साथ में वेलफेयर भी करता है। ठीक है, तो स्टेट वेलफेयर यानी कि कल्याण भी कर सकता है, तो स्टेट का ही ये फॉर्म है जो कल्याण कर सकता है, बाकी कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता। जो एक गवर्नमेंट जिस तरीके का वेलफेयर एक गवर्नमेंट कर सकती है, उस तरीके का वेलफेयर कोई पर्सन या कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले आप जब रॉल्स के बारे में आंसर लिखेंगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे, कि जॉन रॉल्स बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ सोशल लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म यानी कि वेलफेयर स्टेट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ही सपोर्ट्स वेलफेयर फंक्शंस ऑफ द स्टेट, जैसे टैक्सेशन सिस्टम है हमारे देश में, जैसे टैक्सेशन सिस्टम है तो अलग अलग टैक्स लैब है ना, अलग अलग टैक्स लैब है, तो जिसकी जैसी इनकम वो उसके हिसाब से टैक्स पे करेगा, और जो सुपर रिच है वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, और टैक्स में भी ये कॉरपोरेट टैक्स, ये इनकम टैक्स, ठीक है, एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, मानो आप पेन बनाने लग जाओ तो आपको एक्साइज टैक्स देना पड़ेगा। एक होता है कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर लगता है कि नहीं, ठीक है, तो ये सब टैक्सेशन होता है। तो अलग अलग टैक्स सोसाइटी के लिए, तो टैक्स अलग अलग टैक्स लैब क्यों है, क्योंकि आज मॉडर्न जो स्टेट है वो क्या है, वो वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज, फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, पेंशन स्कीम्स हैं हैंडीकैप्स के लिए, विडोज के लिए, ओके, तो इस तरीके से ही सपोर्ट्स वेलफेयर फंक्शंस ऑफ द स्टेट। सम स्कॉलर्स ऑल्सो पुट रॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इगैलिटेरियन स्कूल, है ना, इगैलिटेरियन यानी कि जो सबको इक्वल माने, फॉर इज कंसर्न फॉर लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इनका सबसे मेन कंसर्न क्या रहा है कि इन्होंने फोकस माना है, मतलब एकदम बॉटम अप अप्रोच से वो किया है रॉल्स ने, कि जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए जो है क्या जो है प्रिंसिपल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का, एलोकेशन का, उसको किस तरीके से चीजें मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल, अभिनव प्रताप सिंह, राइट, ये सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाले थिंकर भी हैं, बहुत क्रिटिसाइज किया है इसको। ठीक है, ही हैज बीन क्रिटिसाइज बाई ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट्स लाइक सोशियोलॉजिस्ट, लिबर्टेरियंस, है ना, एंड कम्युनिटेरियंस एज वेल एज फेमिनिस्ट, है ना, सबके बारे में जो है, सबने जो है इनको क्रिटिसाइज किया है। हम खाली यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर फोकस करेंगे हम लोग। कम्युनिटेरियन को कहते हैं समुदायवादी, समुदायवादियों ने जो है इनकी बहुत आलोचना की है, समुदायवादियों ने, राइट। अब बात करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्या उद्देश्य है। रॉल्स हैज प्रोड्यूस्ड थ्री मेजर वर्क्स, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉज ऑफ पीपल, है ना। तो ये तीन बुक्स हैं,
These books has been written in response to the criticism by communitarian to his theory of justice. समुदायवादियों ने जो आलोचना करी है, मैं एक प्रॉपर लेक्चर लेके आऊंगी आपके लिए जो कम्युनिटेरियंस ने जो है उनकी आलोचना करी है, क्या क्या आलोचना करी है, ठीक है? तो इसका इसके लिए जो नेक्स्ट हमारी कल जो हमारी क्लास होगी वो उसी पर बेस्ड होगी, राइट? तो कम्युनिटेरियंस की जो है आलोचना करी इनकी थ्योरी की, तो इन लोग तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने तीन बुक्स लिखी। Basically, these questions posed by scholars due to emergence of global civil society. Global civil society का मतलब क्या है? जैसे IMF आ गया, WTO आ गया, है ना, UNO आ गए, तो ये सब क्या है? ये global civil society है ना? अलग अलग groups, organization बन गए, कुछ institutional बने, कुछ non-institutional बने, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है अपने अपने तरीके से, क्योंकि कंपटीशन हो गया सोसाइटी में, अब एक जो मानक है, स्टैंडर्ड है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन, ठीक है? तो इस वजह से जो है इनकी आलोचना हुई। ये रेफरेंस आप डाल सकते हैं, यूपीएससी एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, भाई बच्चे ने तो बहुत पढ़ा है, इसका मतलब इसको ग्लोबल सिविल सोसाइटी की भी नॉलेज। अभी क्रिटिसिज्म क्यों हुई उसकी, है ना, क्योंकि एक तो कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो तो कैसे पता चलेगा, लेकिन जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो तो चीजें इवेलुएट होनी शुरू होती है, ओके? अब यहाँ पर देखिए, हिज मेजर वर्क ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था इनका। इन दिस थ्योरी या इन हिज दिस वर्क द ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉस इज टू प्रोड्यूस ए ग्रैंड थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए ग्रैंड थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है? यानी कि एक ऐसी थ्योरी बनाना चाहते थे जो जिससे ऊपर कोई ना बना सके, ठीक है? ऐसे प्रिंसिपल ये बताना चाहते थे सरकारों को कि भाई आप सरकार बनाओ तो इस तरीके से पब्लिक पॉलिसी बनाओ, ठीक है? और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज फॉलो कर रहा है, ठीक है? तो जो आज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 है ना, वो जॉन रॉल्स की देन है, ठीक है? जो हमारा आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, वो जॉन रॉल्स की देन है। अगर इस बंदे ने ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नहीं लिखा होता तो शायद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी पॉलिटिकल लीडर्स को कभी पता ही नहीं चलता, या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को कभी इन चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता। आर यू गेटिंग माई व्यू पॉइंट? ओके, सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। तो ग्रैंड थ्योरी को डेवलप करना इनका सबसे इंपॉर्टेंट एम था, ऑब्जेक्टिव था। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे ये भी, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक में था, है ना, क्योंकि प्लेटो के बाद आईडी जो है जस्टिस को किसी ने वैसे कंसीडर नहीं किया जैसे रॉल्स ने किया था, ठीक है? तो प्लेटो की तरह ही रॉल्स ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव द अल्टीमेट आइडिया ऑफ जस्टिस, मतलब एक अल्टीमेट आइडिया ऑफ जस्टिस जो है ये देना चाहते थे, राइट? द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच विल बी एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल विच कैन बी अप्लाइड टू एवरी सोसाइटी। अब आप देखिए, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत बनाना चाहते थे, इस तरीके के प्रिंसिपल बनाना चाहते थे कि जिसमें जो सोसाइटी में गुड्स और अवार्ड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाए, उनको एलोकेट किस तरीके से किया जाए, ठीक है? तो वो जो है, जैसे इनका पहला प्रिंसिपल क्या था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? तो आर्टिकल 16 परमानेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जानते किसकी देन है? ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस किसने बताया है? ये रॉल्स ने बताया। किसने बताया है? रॉल्स। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉल्स। अब इक्वालिटी यानी कि अवसर की समानता, ठीक है, और साथ में ये भी लिखा है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, किसी के साथ भी उसके लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। यूपीएससी का पेपर कोई भी दो भाई
जो पास करेगा उसी को आईएएस मिलेगा। आईएएस क्या है? एक सोशल गुड है, एक प्रेस्टीज है, एक वैल्यू है। क्या है? एक वैल्यू है, ठीक है। तो इस वैल्यू को, ये अवार्ड किसको मिलेगा? जो यूपीएससी का पेपर पास करेगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, रोल नंबर तो सबको मिलते हैं ना। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल व्यू पॉइंट एंड द थ्योरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गिवन बाय द रॉल्स, राइट, बिगेस्ट। अब देखते हैं कि भाई इनकी अप्रोच क्या थी। मतलब देखिए थोड़ा सा ये भी यहाँ पर इसी चीज को लेकर जो है आगे क्रिटिसिज्म होगी इनकी, कि जो ग्रैंड थ्योरी जो है ये डेवलप करना चाहते हैं वो सभी सोसाइटी पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, अप्रोच इनकी देखिए। ही डिस्क्राइब्स हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एज प्योरली प्रोसीजरल। प्योरली प्रोसीजरल यानी कि जो जस्टिस की थ्योरी है वो एक प्रोसेस से स्थापित हो गया, यानी कि जस्टिस के जो नियम बनेंगे ना उसके लिए एक प्रक्रिया या एक प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज, किसी चीज को इमेजिन कर लिया जाए, मान लिया कि मान लो अवसर की समानता है, नहीं, उस चीज का एप्लीकेशन भी देखा जाएगा, प्रोसेस भी देखा जाएगा, किस तरीके से जो है ये चीजें होंगी, राइट। अब एक चीज समझिए कि ही डिस्क्राइब्स हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एज प्योरली प्रोसीजरल रादर देन एंड स्टेट थ्योरी। एंड स्टेट थ्योरी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। एंड स्टेट थ्योरी द थ्योरी विच इज बेस्ड बायस्ड, विच इज बायस्ड यानी कि पक्षपातपूर्ण, इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी आइडिया। एक ऐसी थ्योरी जो एक विशेष समाज और एक विशेष विचार से ओतप्रोत होती है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर विचार होता है कि ये चीज इसके फेवर में होनी चाहिए। जैसे दिस थ्योरी इज ट्रीटेड एज बायस्ड थ्योरी वेयर एंड इज प्री डिटरमाइंड, यानी कि जहां पर एंड यानी कि रिजल्ट, जो हम जैसे यूपीएससी हमारा एंड है, हमारा मकसद है, एंड का मतलब यहाँ पर होता गोल, टारगेट क्या है हमारा, ठीक है, जहां पर गोल को पहले ही डिटरमाइन कर लिया जाए। जैसे रॉल्स मार्क्सिज्म को यानी कि मार्क्सवाद को एक एंड स्टेट थ्योरी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये थ्योरी पक्षपातपूर्ण है। कैसे है? क्योंकि ये थ्योरी बायस्ड इन फेवर ऑफ वर्किंग क्लास है ना, वर्किंग क्लास के लिए, मतलब कैपिटलिस्ट को, हालांकि जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल भी है, तो कैपिटलिस्ट को एकदम से रिजेक्ट करते हैं, है ना। इनको बिल्कुल ये मानते कि नहीं, ये ना बहुत ही बुरी चीज है, राइट, मतलब इस तरीके से इनका जो है ट्रीटमेंट है, राइट। तो दिस इज एंड स्टेट थ्योरी। लेकिन ही सजेस्टेड हिज थ्योरी इज प्योरली प्रोसीजरल। इसका मतलब क्या है? प्योरली प्रोसीजरल यानी कि प्रोसेस से शुरू है। अब प्योरली प्रोसेस का मतलब क्या है? इट मीन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस विच कैन बी एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट रैशनल प्रोसीजर। कि भाई एक प्रोसेस से, यानी कि जो जस्टिस के प्रिंसिपल हैं वो एक रैशनल प्रोसेस से शुरू होने चाहिए, एक्सेप्ट होने चाहिए। अब रैशनल प्रोसेस क्या है? ही कंसिडर्स दैट द प्रोसीजर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट रैशनल प्रोसीजर। यानी कि इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या कहा है? प्योर प्रोसीजरल कहा है। अब प्योर प्रोसीजरल जो थ्योरी है वो उसके लिए रैशनल जो है वो रैशनल होनी चाहिए। अब रैशनल क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट रैशनल प्रोसीजर, ठीक है, टू डेराइव द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस के नियम प्रिंसिपल बनाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। देखिए क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज्ड टू बी रैशनल प्रोसेस। एक ऐसा तार्किक प्रक्रिया है, एक तार्किक प्रक्रिया क्यों है? बिकॉज इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, क्योंकि ये लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, ठीक है, इन डेराइविंग द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जब लोग भागीदारी करेंगे, एक प्रोसेस होगा जिसमें लोग भागीदारी करेंगे, वो चीजें डिस्कस करेंगे, जब वो चीजें डिस्कस करेंगे तो इससे क्या होगा? इसका मतलब ये होगा भी उन्होंने अपनी फ्री चॉइस से, फ्री विल से, अपनी मर्जी से जो है उन सिद्धांतों को बनाया है ना। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस
आर नॉट इम्पोज ऑन पीपल फ्रॉम आउटसाइड, भी उनको बाहर से थोपा नहीं गया है, ना ही किसी बाहरी सत्ता ने उन पर वो चीजें थोपी है। अगर थोप दी गई तो जस्टिस ही क्या है? अगर आप अपने चॉइस से वो नियम बना रहे हैं और अपने ही ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज जस्टिस। के तो दिस इज द इट हैज टू बी बेस्ड ऑन फ्री विल और फ्री चॉइस, नो आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसे क्या नाम दिया गया है? उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया, राइट? अब मैं आपको बता दूं प्रोसीजर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? प्रोसीजर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीजर क्या? सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा ओरिजिनल पोजिशन। क्या आएगा? ओरिजिनल पोजिशन, है ना? ये यूपीएससी बहुत पूछता है ओरिजिनल पोजीशन क्या है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोसेस है भाई। जब लोग इकट्ठे हुए तो उन लोगों ने किस तरीके से जो है रैशनल डिसीजन लिए। इट कैन बी टेकन एज ए पैरेलल टू द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? ए स्टेट जहां पर कोई लॉ नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, लोगों को कुछ पता नहीं है, ठीक है? तो ये स्टेट ऑफ नेचर एडॉप्टेड बाय क्लासिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? थियरिस्ट, इट इज स्टेज बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, है ना? कि जब लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए, मान लो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते और वो पहले से कुछ सोचकर आते तो क्या जस्टिस की प्रिंसिपल बना पाते? नहीं बना पाते। तो यहाँ पर माना है कि लोग ओरिजिनल पोजिशन में थे, यानी कि ओरिजिनल पोजिशन एकदम बेसिक, उनके माइंड में कोई पूर्वाग्रह नहीं चल रहा था, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था, है ना? जैसे एक होता है ना कि हम ये चाहते, जैसे मान लो कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, हम अपने आप को पूरी तरीके से साफ बढ़िया घोषित करते हैं, है ना? लेकिन अगर हम ओरिजिनल पोजिशन में अपने आप को भी कंसिडर करें, यानी कि पूर्वाग्रहों से बायस्ड मैनर से प्रेजेंट ना हो। एक चीज आप समझ लें, यहाँ पर मैं एक दो फीचर्स आपको और बता दूं। फीचर्स ऑफ ओरिजिनल पोजीशन, ये यूपीएससी ने 2015 में भी पूछा है ओरिजिनल पोजीशन, है ना? ये 10 मार्कर भी पूछा गया, 15 मार्कर भी पूछा, 5 मार्कर भी पूछा यूपीएससी, ठीक है? ये एक काल्पनिक सिचुएशन होती है, एक इमेजिनरी सिचुएशन। एवरी पर्सन इज रैशनल निगोशिएटर। इसमें क्या माना कि हर एक व्यक्ति रैशनल, क्योंकि लिबरलिज्म से तो थे ही। अब लिबरलिज्म व्यक्ति को रैशनल तो मानता ही कि वो सही सोच सकता है, बुरा नहीं सोचेगा अपना, है ना? तो अब यहाँ पर देखिए, एवरी पर्सन इज रैशनल निगोशिएटर, एवरी पर्सन इज बिहाइंड वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि पर्दे के पीछे था। जैसे आप शो देखते हैं तो पर्दे के पीछे क्या रहा होता है आप कुछ इमेजिन नहीं कर सकते ना। जब पर्दा हटता है आपको तभी पता चलता है भाई कौन सा हीरो है, कौन सा हीरोइन है, कौन सी मूवी है, ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो यहाँ पर सेम वैसे ही, तो जो भी कुछ जो लोग वहां पर थे वो सब कैसे थे? वो पर्दे के पीछे थे, यानी कि एक वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि उनको कोई ज्ञान नहीं था, दे वर इग्नोरेंट। अब आगे चलकर इसी चीज को क्रिटिसाइज कर देंगे, भाई जब उनको ज्ञान ही नहीं था तो इतने बड़े प्रिंसिपल जो उन्होंने जस्टिस के कैसे बना दिए? बिना ज्ञान के व्यक्ति कैसे जस्टिस के प्रिंसिपल बना देगा? मतलब क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो रोल साहब? मतलब इस तरीके से कम्युनिटेरियन जो है इनको क्रिटिसाइज करेंगे, राइट? एंड इट सिंबलाइजेस अ सिचुएशन वेयर मैन डज नॉट नो हिज ओन स्ट्रेंथ, जहां पर उसे अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता था एंड वीकनेस का नहीं पता था एंड दूसरों की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस का नहीं पता था, राइट? दे ऑल्सो डोंट हैव द क्लियर व्यू ऑन द नेचर ऑफ फ्यूचर सोसाइटी, भी आगे फ्यूचर सोसाइटी क्या होगी उनको ये भी नहीं पता था। मीन्स विच क्वालिटी और टैलेंट विल बी रिवॉर्ड, उनको ये भी नहीं पता था कि कौन सी क्वालिटी को, किस गुण को, किस प्रतिभा को रिवॉर्ड करना है और किस को रिवॉर्ड नहीं करना है। तो सोसाइटी जब बन जाएंगी, जब एक सोसाइटी यानी कि हम प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बना देंगे, तो उनको यही नहीं पता, मतलब दे आर कंप्लीट। इसके माध्यम से जो है रॉल्स कहना चाहता है कि एकदम से इम्पार्शियल, एकदम से निष्पक्ष जो है लोग थे, मानवता को, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखा, बाकी चीजों के बारे में जो इन लोगों ने छूट दिया, ठीक है गाइस? तो आज का लेक्चर दिस इज अबाउट रॉल्स थ्योरी, आपको कैसा लगा मुझे बताएं। आप यहाँ पर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकन भी दबा दीजिए
ताकि आपको जो है मेरे क्लासेस का नोटिफिकेशन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तैयारी कीजिए। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, ठीक है, ये चैनल है टेलीग्राम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और किरण वन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी एंड होप यू विल लिसन एंड थिंक मी, और जो है आप बहुत अच्छे से जो है तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर बीइंग विद मी। अभी 3:15 से मेरी क्लास होगी शास्त्री इरा के लिए, ठीक है। होप